हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। ग्रेटर कैलाश थाने की टीम ने ग्रेटर कैलाश पार्ट वन के आर ब्लॉक रेड लाइट के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक स्कूटी और 45 एटीएम कार्ड बरामद किए। डीसीपी चंदन चौधरी ने शनिवार की रात मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि 30 मार्च की दोपहर ग्रेटर कैलाश थाने की एक टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी, जो कि ग्रेटर कैलाश थाने के SHO अजीत कुमार के नेतृत्व में एक टीम जिसमें SI पूरन चंद शर्मा, ASI कमलेश, ASI मेजर, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल सुनील हुड्डा, कांस्टेबल संजय टीम में थे, जो कि क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त करने के दौरान पुलिस टीम पहुंची आर ब्लॉक रेड लाइट ग्रेटर कैलाश पार्ट वन के पास। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा कि एक स्कूटी का नंबर प्लेट बदलने की कोशिश कर रहा है। तत्काल पुलिस टीम ने उसके पास पहुंची और उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने के बाद उसके पास से एक फर्जी नंबर प्लेट और 45 बैंक के ATM कार्ड व एक चाकू बरामद हुआ। बाद में आरोपी की पहचान संजय के रूप में हुई, जिसके बाद मामला दर्ज किया, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 54/23 धारा 25-54-59 आर्म्स एक्ट और 482 IPC और 102 CRPC के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को थाने लेके आए। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया और कहा कि वह नशे का आदि है और इसलिए वह अपराध करता है। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की प्रोफाइल नाम संजय, पुत्र हवा सिंह, निवासी सुल्तानपुरी का, इसकी उम्र 40 वर्ष है। जहां आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी के पास से एक स्कूटी, 45 बैंक के ATM कार्ड, एक चाकू, एक दुपहिया वाहन की फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है।